दिल दिल उठो, 8 बज गए। मेरी बेटी बनाओ। उठो ना। उठो। हमें शिफ्ट करना है आज। मुझे सोने दो। वो वर्ल्ड वाले मकान से पुराना सामान लाना है आज। पुराना सामान कल आ गया था। कल सिर्फ एक पुराना सामान आया था, तुम। मैं क्या तुम्हारा पुराना सामान हूँ? उठो ना दिल, में बैठी बना। दुनिया के हर घर में हर पत्नी अपने पति के लिए चाय बनाती है, और एक तुम होकर मुझसे चाय बनवाती हो। सवेरे सवेरे मेरा दिमाग मत खराब करो। ठीक है, जाता हूँ। दूध नहीं है। दुकान से ले आओ। सुबह सुबह कोई दुकान नहीं खुलती। पड़ोसी से उधार ले आओ। हमको भी यहाँ पर आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि मैं उधार मांगना शुरू कर दूँ। मैं नहीं। दिल, get up. दिल, no. दिल, दिल, मैं नहीं। दिल, sorry. ओह नो, 10 बज गए। चश्मे के बगैर तो मैं अंधा ही हो जाता हूँ। कोकी, ओ कोकी, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं भाग नहीं रही हूँ। अरे बाबा, भाग जाती तो शायद नहीं चिल्लाता। क्या कहा? कुछ नहीं, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढो। चश्मा पहनता कौन है? मैं पहनता हूँ। तो फिर ढूंढने का काम किसका है? अरे ढूंढने से मिलता, मैं तुम्हें थोड़ी बोला था। अभी सुन रही हो कि नहीं? मैं यहाँ हूँ केशु। देखा, चश्मे के बगैर मेरी क्या हालत हो जाती है। तुम यहाँ खड़ी हो और मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो चश्मा पहनकर भी वही करते हैं। कोकी ढूंढो, ऑफिस जाने में देर हो रही है। मुझे मालूम नहीं है। एक काम करना। क्या? ऑफिस से लौटते वक्त एक चश्मा और लेकर आना। क्यों? चश्मा ढूंढने के लिए। कोकी, कोकी मुझे छोड़ के मत जाओ। कोकी, डैडी। चिंटू, चिंटू, अब तू ही मेरा सहारा है। चिंटू, मेरा बेटा, तू ही मेरा सहारा। क्यों? चिंटू, चिंटू बेटा, मेरा चश्मा देखा है तूने? डैडी, ये रहा आपका चश्मा। अरे मिल गया, मेरा बेटा। अब जाके ठीक लग रहा है। ये चश्मे के बगैर के दिन के उजाले में भी शाम हो जाती है। लेकिन ये चश्मा तेरे पास कैसे है? डैडी, कल मुझे मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली। प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली? तुमने मुझे बताई नहीं। हमारी टीचर कहती है कि बच्चों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके माँ बाप को दुख पहुँचे। अच्छा अच्छा, अच्छा। कहाँ है रिपोर्ट? रिपोर्ट कहाँ है, दिखा। ये रही मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। बच्चों को ऐसा कोई भी, और ये आपकी पुरानी अलमारी में मिली। ये क्या, साइंस में 100 में से सिर्फ 8 मार्क और मैथ्स में सिर्फ 2? आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पढूं? इधर पर साइन कर दीजिए। साइन करूं? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। क्या है चिंटू? डैडी की प्रोग्रेस रिपोर्ट। कहाँ साइन करनी है? शैतान कहीं का। अब वो मेरी वाली मुझे दे। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, आगे जाकर काम आएगी। ये मेरा बाप है या मैं इसका बाप हूँ? ये लो तुम्हारी। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। ये सब्जी ठीक से बनाई है ना? मतलब? नहीं, वो कल मेरी स्टेनो कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी की बनाई हुई सब्जी जरा तीखी होती है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तीखी तो होती है लेकिन मेरी पत्नी से कम। शर्म नहीं आती स्टेनो के सामने मेरी बदनामी करते हो? अरे बाबा, मजाक हो रहा था। लेकिन वो होती कौन है मेरी रसोई पर कमेंट पास करने वाली? कोई नहीं। फिर मैंने कभी उसके टाइपिंग मिस्टेक पर कमेंट पास की है? तो उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी सब्जी पर वो कमेंट पास करे? आज पूछ लेता हूँ। पूछ लो। और साथ में उसे ये भी कह दो कि अगर ऐसी बात है तो वो यहाँ कर सब्जी बनाए, मैं वहाँ जाकर उसका काम करूंगी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरा बॉस तुम्हें टूर पे ले जाएगा।
फिर तो और भी अच्छा होगा। क्या मतलब? फिर तुम्हें तुम्हारे स्टेनो के हाथ का खाना सुबह शाम मिलता रहेगा। हाँ, मैं मेरे बॉस की फिक्र कर रहा हूँ। छोड़ो छोड़ो, बॉस की फिक्र छोड़ो, आइंदा उस मनु स्टेनो का नाम मेरे सामने लिया ना तो तुम्हारा टिफिन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, आई अंडरस्टैंड। रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। चलो अब गुस्सा थूक डालो, थूक डालो। मुझे नहीं ऐसी गंदी आदत थूकने। अरे शांत हो जाओ, पड़ोस में नए नए पड़ोसी रहने के लिए आए, कुछ दिनों के लिए तो उन्हें इस गलत फहमी में रहने दो कि यहाँ एक सुखी परिवार रहता है। चलो हंस दो, हंस दो। नहीं हंसूं। देखो ऐसा नहीं करते, आजकल जमाना बड़ा खराब है, हो सकता है मैं ऑफिस जाऊँ और लौट के शाम को वापस ना हो। अरे हंसो ना डार्लिंग। नहीं हंसूंगी। अच्छा चलो हंसने की एक्टिंग करो। चलो मैं प्रेमाशाली नहीं थोड़ी हूँ, जब चाहे। अच्छा तो मैं जाऊँ? टिफिन लेकर जाओ। नहीं चाहिए मुझे टिफिन। टिफिन लेकर जाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा टिफिन। पक्का? हाँ पक्का। पक्का? हाँ पक्का। सॉरी आई एम सॉरी। आप अंदर आ जाइए प्लीज, अंदर आ जाइए। आपकी तारीफ? तारीफ तो मुझे आपकी करनी पड़ेगी, कितना सही निशाना है आपका। मैं इनको टिफिन दे रही थी। टिफिन देने का अच्छा तरीका है आपके घर में। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी नहीं, हो सके तो थोड़ा सा दूध दीजिए। इतनी सुबह कोई दूध की दुकान खुलती नहीं है ना। अच्छा अच्छा, तो फिर कल रात को लाकर रखना चाहिए था। रात को लाते तो रखते कहाँ, फ्रिज तो वर्ली में है। क्या मतलब? हमारा पूरा सामान वर्ली से शिफ्ट नहीं हुआ है ना, और घर में दूध है नहीं तो चाय कैसे बनेगी, और डॉल की तो बिना चाय के आंख ही नहीं खुलती। डॉल? जी मेरी पत्नी प्रेमा शालिनी, उसे प्यार से डॉल कहता हूँ ना। ओ, अच्छा अच्छा, तो आप डॉल के पति हैं? जी हाँ, क्यों लगता नहीं हूँ ना। नहीं। लेकिन ये सच है। अरे भाई जाओ, ये प्रेमा जी के पति देव हैं, जाके दूध लेके आओ। अभी लाती हूँ। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चाहिए। इतना थोड़ा? नहीं, वो क्या है कि हमारे घर में कोई बर्तन नहीं है ना, तो पिछले मालिक का ये पतीला इस्तेमाल कर रहे हैं कल से, मतलब नहाना, चाय बनाना, फ्लश वगैरह सब इसी से हो रहा है। अगर इस पतीले में मैं आपको दूध दूंगा तो लोग सोचेंगे आप दूध से नहाने जा रहे हैं। दूध नहाओ पूता फलो। क्या हुआ? थोड़ा प्रॉब्लम है। आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ। ओके। अरे आप बैठिए ना, आइए बैठिए। जी थैंक यू। अरे आपकी कमीज तो खराब हो गई, सारी सब्जी गिर गई कमीज पे। वैसे आप सब्जी अच्छी बनाती हैं। आपने कैसे जाना? सुन कर बता सकता हूँ। वो कैसे? क्या है कि शादी से पहले मैं एक 5-स्टार होटल में बावर्ची था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तभी तो शादी की मेरे साथ डॉल ने। क्या बता रहे, आप बावर्ची थे इसलिए उन्होंने आपसे शादी की? उसको खाना पकाना नहीं आता ना, तो मुझसे शादी करके उसने अपनी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। आप मजाक कर रहे हैं। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं शेफ था। शेफ? शेफ वो रहता ना वो टॉप वाला। वो लंबा टॉप। शेफ था मैं। अरे आपकी कमीज, आप चाहे तो वहाँ बालकनी में पानी रखा हुआ है, जाइए ना। क्या कर रहे हो? मैं अभी आके समझाता हूँ। तुम आओ मैं समझाती हूँ। जी तकरीबन धुल गए। अरे लेकिन ये पैजामे पे तो? अब मैं बालकनी में पैजामा कैसे उतारता? नहीं मैं साफ कर देती। नहीं लाइए ना। दाग साफ कर रही हूँ। दाग साफ कर रही हो, मुझ पे लगा रही हो? केशव। अच्छा कर, साफ कर, कर। थैंक यू मिसेज कोकी।
कोकी। ये कोकी का मतलब जो डॉल का मतलब। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें प्यार से डॉल बुलाते हैं और ये मुझे नफरत से कोकी। कोई बात नहीं, मैं आपको प्यार से कोकी कह के। ये आपका दूध। थैंक यू मिस्टर कोका। मेरा नाम केशव कुलकर्णी है। केशव कुलकर्णी केकू जी। थैंक यू केकू जी। केकू जी चलेगा। अच्छा बाय द वे केकू जी, आपकी पहचान वालों के टेम्पो वाला है? टेम्पो वाला, क्योंकि आज हमको अपना सामान शिफ्ट करना है और बेचारे डॉल इस बात को लेके बहुत परेशान है। प्रेमा जी परेशान है? डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। सुनो किशन, आज शाम को ठीक 4 बजे टेम्पो लेकर तुम बर्ली वाले मकान में पहुंच जाना। आज शाम तक सारा सामान शिफ्ट करना चाहिए। ओके। तुम इतनी देर वहां क्या कर रहे थे? मैं दूध लेने गया था। दूध लेने गया? तुम ये कपड़े क्यों धो रहे थे बालकनी में? कपड़े तो मैं अपने धो रहा था। क्यों, अपने घर में पानी नहीं है क्या? बाद में बताऊंगा, पहले चाय बना लूंगी। सुनो मेरी बात। क्या? शाम को ठीक 4 बजे किशन टेम्पो लेकर हमारे वर्ली वाले मकान में जाएगा, तुम्हें भी उसके साथ जाना है। कौन किशन? किशन मेरा सेक्रेटरी। टेम्पो लेकर जाएगा? हाँ, शिफ्टिंग के लिए। नहीं तो क्या, शूटिंग के लिए? ओह मम्मी, प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? मैंने बाजू वाला केशव कुलकर्णी को टेम्पो के लिए बोल दिया है। उसे रोको फिर। मगर वो तो क्या दफ्तर। अभी क्या टाइम है? अरे बॉम्बे वाला, हम तुमसे बात करता है। ये लेटर जल्दी टाइप करो, या तो कुलकर्णी साहब आएगा ना तो हम पे चिल्लाएगा। ठीक है, करता हूँ करता हूँ। मम्मी ने तुम्हें आज चाय पे बुलाया है। मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ, कॉफी। गोखले, गोखले, ओ गोखले, ओए! ये किसने हमें बुलाने की हिम्मत की? गोखले, एक अर्जेंट काम है यार। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, तुम सिर्फ अपना काम बताओ। एक टेम्पो की जरूरत है। क्यों, अपने शेट्टी ने तुम्हें तड़ीपार कर दिया क्या? अरे नहीं यार, पड़ोस में एक नई फैमिली रहने के लिए आई है, उनका सामान शिफ्ट करवाना है। डोंट वरी कुलकर्णी, काम हो जाएगा। मैं अभी राबट को फोन करता हूँ, माल पहुँच जाएगा। गोखले, ये भगवान इसको जल्दी से फिल्म में काम दिला दे वरना ये पागल हो जाएगा। साहब आ गए क्या? वो तो कभी से आप ही के बारे में पूछ रहे थे। What? वो कुछ लेटर्स। Oh my God. ओ पुणे वाला। सर बॉम्बे वाला, सर बॉम्बे वाला। अरे छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है, बॉम्बे पुणे में 4 घंटे का तो डिफरेंस है। अच्छा वो लेटर टाइप किया? सर मारिया ने अभी अभी तो दिया है। अरे यार तो फिर करो ना, करो। क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहा हूँ। क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहे हो? मारिया, मारिया, मारिया। यस सर। अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। अच्छा वो मारिया, वो पुणे वाला को तुमने लेटर आज दिया? सर बॉम्बे वाला। हाँ बॉम्बे वाला को, उसको लेटर आज दिया? हाँ सर। क्यों, कल क्यों नहीं दिया? सर कल मैं पार्टी को गया था। ओह एनीवे, चलो वो सोलर स्पॉट को भी एक लेटर लिखना है। हाँ, हाँ उसका डिक्टेशन नोट करो। चलो विथ रेफरेंस टू योर। सर आज आप कौन सी सब्जी लाए हैं? मारिया सॉरी सर, सब्जी वब्जी नहीं लाया मैं आज। क्यों सर? क्योंकि सब्जी बड़ी तीखी थी। एनीवे चलो विथ रेफरेंस टू योर लेटर। ये गोखले अभी तक क्यों नहीं आया? सर ये भी लिखना है? ना ना, लिखो तुम। ओह नो, ये किशन भी घर से निकल गया है। अब मैं किसको फोन करूं? आई डोंट नो व्हाट टू डू। अगर तुम क्या मेरे पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहे हो? तुम जाओ उस केशव कुलकर्णी के घर जाओ, उसकी बीवी से उसका ऑफिस का नंबर लो, उसके ऑफिस फोन करो और उसे कहो टेम्पो कैंसिल। कुलकर्णी टेम्पो? ओके कुलकर्णी टेम्पो। क्या टेम्पो नहीं मिल रहा है? व्हाट? हाँ कुलकर्णी, मेरे दोस्त के पास एक ही टेम्पो बचा था, वो भी मछली सप्लाई करने गया है। ओह नो, अरे कुछ करो गोखले, कुछ करो, मेरी इज्जत का सवाल है यार। क्या करूँ, टेम्पो ऑलरेडी निकल चुका है। अरे यार टेम्पो नहीं मिला तो प्रेमा शालिनी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। प्रेमा शालिनी यानी कि फिल्म स्टार? हाँ हाँ। उसका सामान का शिफ्टिंग करवाना है? हाँ भाई हाँ। अरे तो ये कब कहोगे, अब तो सामान का शिफ्टिंग करवा के रहूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैंसिल टेम्पो, कैंसिल टेम्पो, कैंसिल। कोकी जी, आपके पास केकू जी के ऑफिस का नंबर है? हाँ मगर क्यों, वो टेम्पो कैंसिल करना है। हाँ? आप नंबर बोलिए। 6249898 6249898 6249898 6249898
हेलो हेलो केकु जी। ओ दिलरुबा जी, हाँ बोलिए बोलिए। वो जो मैंने आपको टेम्पो का बोला था ना। हाँ हो गया दिलरुबा जी, हो गया, डोंट वरी। नहीं 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 नहीं, उसको कैंसिल करना है। कैंसिल कर दूँ? क्यों? वो क्या हुआ कि डॉल ने अपने पीए को बोल दिया टेम्पो अरेंज करने के लिए। लेकिन दिलरुबा जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्पो लेके आदमी निकल चुका है। निकल चुका है, लेकिन फिर दो टेम्पो आ जाएंगे ना। अरे तो आने दो आने दो, एक से भले दो, सामान जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। ओके अब मैं डॉल को क्या मुंह दिखाऊंगा। सामान आ गया? अरे मैडम आपने दूसरा टेम्पो क्यों बुक किया? दूसरा टेम्पो? हाँ, हमारे टेम्पो के वहाँ पहुँचने से पहले दिलरुबा जी दूसरे टेम्पो में सामान लेकर निकल चुके थे। हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही सामान बचा है। मैडम कहाँ सामान रखने का? मेरे सर पे रख दो। हाँ मैडम। ये देखिए मैडम, दिलरुबा जी सामने से दूसरा टेम्पो लेकर आ रहे हैं। सामान है डॉल? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुमने दूसरा टेम्पो क्यों बुक किया? मैंने तुमसे कहा था ना टेम्पो कैंसिल। मैं तो एक ही टेम्पो लेकर आया ना, दूसरा लेकर आया तो ये लेकर आया, मैं उसमें क्या करूँ? मैं तो एक ही लेकर आया ना डॉल। कम ऑन डॉल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तो एक ही लेकर आया। ओह शट अप। अरे डॉल दूसरा टेम्पो मेरा नहीं, किशन का है। लेकिन पहले टेम्पो हमारा बुक हुआ था। देखो तुम्हें टेम्पो के पैसे आज नहीं मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, पहले बुक हमने किया था। नहीं मिलेंगे, बस मैं कह रहा हूँ। खामोश रहिए आप, देखिए मेरा इंसल्ट मत कीजिए। शट अप, शट अप। ओखले। यस सर। सामान ऊपर लेके जाओ। अभी उतरता हूँ सर। चलो भाइयों शुरू हो जाओ। ठहरो, जब तक मेरे टेम्पो के पैसे नहीं मिलते कोई हाथ नहीं लगेगा। अरे मैं हाथ लगाऊंगा। अरे कैसे हाथ लगाते हैं? क्यों हाथ लगाऊंगा? अरे हाथ क्यों लगाते हैं? एक कैसे हाथ लगाएगा? नहीं, मेरी बात सुनो गोखले, इसकी बातों में नहीं आना। ये जो है ना साला मेरी वाइफ का पीए है। चुप रहे, चुप रहे। लोग देख क्या रहे हो? सामने खून की लड़ाई, खून की लड़ाई। चलो शिफ्टिंग का काम तो खत्म हुआ। तो जान छूट गई और मेरी तकरीबन हर चीज टूट गई। ये सिरामिक मुझे मिट्टी बने सोना के डायरेक्टर ने गिफ्ट दिया था, तुम लोगों ने सोने को फिर से मिट्टी बना दिया। और ये लैम्प शेड मुझे दिया और अंधेरा के हीरो ने गिफ्ट किया था। ऑफ कोर्स दिन के उजाले में दिया था, लेकिन तुम लोगों ने इसे हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल दिया। और ये टीवी जिस पर हमने मेरे कितने सारे टीवी प्रोग्राम देखे थे, आप इस पर मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं देख सकते, और इस पर सिर्फ एक प्रोग्राम देख सकते हैं। कौन सा वाला डाली? थोड़ा बहुत होता है ना मैडम। वो टेम्पो का भाड़ा
अब एक और नुकसान। दिलरुबा जी, टेम्पो का किराया। किराया मिलेगा मगर हमें, आपको नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सबसे पहले टेम्पो हमारा बुक हुआ था। अबे ओए, लेकिन सामान की शिफ्टिंग तो हमारे टेम्पो ने की है। किसने करने को कहा था? तुम कौन होते हो पूछने वाले? वन सेकेंड, झगड़ा मत करो इधर। देखिए यहाँ झगड़ा मत करो। यू शट अप। मैं किसी को भाड़ा नहीं दूंगी। मैडम, आपको किराया तो देना ही पड़ेगा। क्या है कि बड़ी मुश्किल से ग्रैंड रोड मछली मार्केट से मैंने उठा कर ये टेम्पो लाया है। तभी हर एक चीज में मछली की बू आ रही है। मछली की बू तो आपके आने के बाद आने लगी है। हद दूर। गुड इवनिंग प्रेमा जी। हेलो केकू जी, आई। शिफ्टिंग हो गई सामान की? हाँ, ऑलमोस्ट। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो, नहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सिर्फ 20-25 चीजें छूट गई हैं मेरी और कुछ नहीं। कुलकर्णी, ये लोग टेम्पो का किराया नहीं दे रहे। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, सबसे पहले एक टेम्पो हमने बुक करवाया था। आई नो। हाँ, तो एक टेम्पो का भाड़ा हमें दे दीजिए। मिल जाएगा भाड़ा, मैं दूंगा भाड़ा। प्रीमा जी, आपके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? You're very sweet. गोखले, इनका भाड़ा मैं दूंगा, ओके? और आप थोड़ा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लीजिए प्लीज, जस्ट अ मिनट। ये सब क्या? लगता है मछली की एक टोकरी मार्केट में उतरी नहीं। व्हाट इडियट कहेंगे। प्रेमा जी, आई लव यू। क्या हुआ प्रेमा जी? क्या कर रहे थे? फिशिंग कर रहा था। कुछ मिला? हाँ? क्या ये?